सो हमारी जो प्रीवियस सेशन थी दैट वाज रिगार्डिंग द क्लास इन रॉबसेक्स। तो हमने बात करी थी कि भाई सी शार्प में जब कभी भी आपको क्लास बनाना हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लास बनाते हो, और क्लास के अंदर में आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल सकते हो, और क्लास के अंदर में आप यहाँ पे मेथड डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट डालता हूँ, मैं यहाँ पे कोई मेथड डाल सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब ये जो डिस्प्ले मेथड है, ये जो डिस्प्ले मेथड है, इस डिस्प्ले मेथड के अंदर मैं यदि इसे डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। नेचुरली वेरिएबल्स है तो हमारा यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू बेहतर होगा कि मैं पास करता हूँ पैरामीटर से। मैं बोलता हूँ intrl कॉमा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग nm, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रॉल इज इक्वल टू rl, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू nm। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा क्लास है क्लास बी, और बी क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेन मेथड यूज़ करता हूँ। मैं बोलता हूँ पब्लिक स्टैटिक। मैंने आपको बताया था कि मेन को हमेशा बाहर रखा करो, यहाँ पे आप यूज़ कर लें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। और कोई भी चीज़ क्लास में मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बोलता हूँ ए जेड इज इक्वल टू न्यू ए। ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ। मैं बोलता हूँ जेड डॉट डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे रोल पास करता हूँ, और मैं यहाँ पे नाम पास करता हूँ। मैंने जो यहाँ पर रॉल दिया है वो रॉल आपने 22 दिया, ये 22 किसको मिलेगा, इस आरएल को। ये आरएल की वैल्यू किसको असाइन होगी, रॉल को। ये आपने संतोष दिया, ये संतोष किसको मिलेगा, एनएम को। अब मुझे क्या करना है, ये जो रॉल और नेम आपने लिया है इसे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट, मैं यहाँ बोलता हूँ राइट लाइन। और क्या आपको डिस्प्ले करना है, तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना है रॉल को, और मुझे यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना है नाम को। अब यदि मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे फाइल सेव एज, मैं इसे ई ड्राइव में ही सेव कर लेता हूँ, सी एल उस दिन हमने कहाँ तक किए थे, 6 तक ना, तो हम बोल देते हैं cl7.cs। ये हमने यहाँ पे इसे सेव कर लिया ई ड्राइव के अंदर। अब मैं इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट पे, और ई ड्राइव में आता हूँ। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, डिस्प्ले विजिबिलिटी तो आ जाए। मैं बोलता हूँ csc cl7.cs, और मैं यहाँ बोलता हूँ cl7। रिजल्ट आपके सामने। तो मोटे तौर पे अभी तक हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में यही बात करी थी कि क्लास के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, क्लास के अंदर हमारे मेथड्स हो सकते हैं, उन एट्रीब्यूट मेथड को हमें कॉल करना है। तो मेन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने उसे यहाँ पे कॉल करवा लिया। अब ये बोल रहा है जी cl7 मेन मेथड में प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर यस मेन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा मेन का एम कैपिटल होना चाहिए। अब मैं इसे रन करता हूँ और मैं बोलता हूँ cl7, और ये प्रॉपरली यहाँ पर आपको रिजल्ट लेके दे। आज हम बात करते हैं आगे, और आज सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, सबसे पहले देखो। यदि मैं यहाँ पे कुछ भी ना दूँ, ना मैंने रोल में कुछ वैल्यू दूँ, ना नेम में वैल्यू दूँ, यदि मैं केवल इसको डिस्प्ले करवा दूँ, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ, मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, मैंने असाइन वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। अब यदि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दूँ बाय डिफॉल्ट, तो आखिर इस रोल और नेम के पास होता क्या है। यदि मैं रन करूँ cl7.cs, मैं बोलता हूँ cl7, आप जरा गौर से देखना, रोल के पास 0 होगा और जो नेम होगा हमारा उसके पास हमारा यहाँ पे नल वैल्यूज होगा। ये देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे नल आ गया, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि जब कभी भी हम यहाँ पे कोई वेरिएबल्स लेते हैं, यदि नंबर लेते हैं या फिर हम स्ट्रिंग लेते हैं, तो नंबर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 से असाइन होता है, और ये जो स्ट्रिंग होता है वो नल से असाइन होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो इसको मैं कुछ वैल्यू दे दूँ बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, मैं बोलता हूँ पब्लिक ए। याद रखना, ये जो कंस्ट्रक्टर नेम होता है और ये जो क्लास नेम होता है, ये दोनों सेम होता है। जैसे मान लो मेरा ये कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, याद रखेंगे कंस्ट्रक्टर नंबर 1 इट्स लाइक ए मेथड, एक मेथड की तरह होता है। मेथड है तभी तो आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया है,
आपने पैरेंथेसिस लगाया। नंबर टू, याद रखेंगे ये जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर नेम, एंड ये जो हमारा क्लास का नाम होता है, एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। ये देखो क्लास का नाम क्या है, ए, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, ए। तीसरी चीज़ कि वी कांट यूज एनी रिटर्न टाइप, वी कांट यूज एनी रिटर्न टाइप, आप कंस्ट्रक्टर के साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं लगा सकते, इवन वॉइड इज नॉट अलाउड, इवन वॉइड इज नॉट अलाउड। जैसे नॉर्मल हम कोई मेथड लगाते हैं तो लगाते हैं ना, अब जैसे यहाँ पर मेथड है तो आप क्या लगा रहे हो, वॉइड लगा रहे हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये खाली होता है। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पब्लिक, जो कंस्ट्रक्टर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। अब बोलोगे सर यदि मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दूँ तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पब्लिक। अब तुम बोलोगे सर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दूँ तो क्या होगा, क्या बनता नहीं है? हाँ बनता है, यदि तुम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दोगे तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, आप उसको इनहेरिट भी नहीं कर पाओगे। तो यदि मैं आपसे ये सवाल करूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, नॉर्मली क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, मैं चाहता हूँ क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, वी कैन मेक द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। मैं चाहता हूँ मेरा क्लास इनहेरिट ना हो, तो एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ, तो वो हमारा इनहेरिट नहीं होगा। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर नॉर्मली हमारा ये पब्लिक होता है। पांचवा, याद रखना कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास, एट्रीब्यूट ऑफ क्लास, जो क्लास के एट्रीब्यूट होते हैं उसको वो इनिशियलाइज करते हैं। और याद रखना जैसे हम यहाँ पे ये जो हमारे एट्रीब्यूट हैं मैं इनको इनिशियलाइज करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ रोल इज इक्वल टू 999, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ संतोष के नाम से। अब देखो कंस्ट्रक्टर का जो काम है, कंस्ट्रक्टर के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि वी डोंट नीड टू कॉल इट, हमें इसे कॉल नहीं करना होता, वी डोंट नीड टू कॉल इट, ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब कभी भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर जो है ना तुम्हारा, वो खुद ब खुद कॉल होता है, वी डोंट नीड टू कॉल इट, कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ये देखो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जरा गौर से देखो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, ये कंस्ट्रक्टर को ही तो कॉल कर रहे हो। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है, वी डोंट नीड टू कॉल इट, कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब यदि मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर दूँ, अब मैं इसको देखूँ, आप जरा गौर से देखो CSC CL7. देखो 999 आ गया और संतोष आ गया, ये वैल्यू आ कहाँ से रहा है, कंस्ट्रक्टर से आ रहा है ना, जबकि आप इनडायरेक्टली आपने इसे कॉल कहीं थोड़ी, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आप इसको कॉल करते हो, ये खुद ब खुद कॉल होता है, आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने डिस्प्ले में यहाँ पर ये डाला तो ये हमारे यहाँ पर काम करता है। तो वी डोंट नीड टू कॉल इट, कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एक बात यहाँ पर और याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज भी हो सकता है, और याद रखेंगे कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। एक बात और याद रखेंगे कि यदि मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, अब मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई when we are not defining any constructor, there will be default constructor. यदि आप कोई भी constructor नहीं लोगे ना तो by default वहाँ पर default constructor होता है, और ये जो default constructor होता है, वो number को zero से initialize करता है, और जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको नल से इनिशियलाइज करता है। याद रखना इट कैन बी स्टैटिक, मैं डिस्कस करूंगा इसका मतलब क्या है,
इट कैन बी स्टैटिक। तो कंस्ट्रक्टर के साथ ये कुछ फंडामेंटल्स हैं। ये देखो, ये जो तुमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये होता है, लेकिन आपने यहाँ पे वैल्यू डाला है। अब देखो, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे पैरामीटराइज भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे पैरामीटराइज भी बना सकता हूँ। मैं बोलता हूँ पब्लिक ए, मैं बोलता हूँ INTRL कॉमा स्ट्रिंग एन। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, रॉल इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोलता हूँ RL, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोलता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब मैं बोलता हूँ ए टी इज इक्वल टू न्यू ए। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू पास कर देता हूँ। मैंने रोल के लिए पास कर दिया और मैंने यहाँ पे नाम के लिए पास कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ t.display, तो ये दोनों वैल्यू को शो करेगा ना। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो CL7, ये देखो आ गया। इनिशियली आपकी ये वैल्यू आई थी, अब हमारा यहाँ पे ये वाला वैल्यू भी आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे पैरामीटराइज बनाते हो, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो क्या ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल नहीं है? एक ही प्रोग्राम के अंदर में आप दो कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, एक के अंदर आप पैरामीटर्स दे रहे हो और एक के अंदर आप पैरामीटर्स नहीं दे रहे हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझ लो कि नॉर्मली हम लोग C++ वगैरह में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो जरा हम देखें यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है या नहीं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्टर। ये दूसरे कंस्ट्रक्टर से वैल्यू को कॉपी कर लेगा। अब जब कभी भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे हम पास क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। आप जरा गौर से देखो, ए क्या है? हमारा क्लास का नाम है। आर क्या है? इसको ऑब्जेक्ट है जो हम पास कर रहे हैं। हम बोलते हैं रॉल इज इक्वल टू आर डॉट रॉल। अगर मैं बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू आर डॉट नेम। अब इसको आप कॉल कैसे करोगे? ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इसको आप कॉल कैसे करोगे? मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है जेड और एक है टी। अब मैं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू ए, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ टी। अब जरा गौर से देखो, टी के अंदर जो हमारी वैल्यू है, ये 222 और YYY, यही कॉपी हो जाएगा किसके लिए? डब्ल्यू के लिए। अब यदि मैं यहाँ पे डब्ल्यू डॉट डिस्प्ले करूँ, मैं बोलता हूँ डब्ल्यू डॉट डिस्प्ले। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब मैं बोलता हूँ CL7.CS। ये देखो, सेम वैल्यू कॉपी हो रही है ना। अब मान लो मैं ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर से वैल्यू कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पास करूँगा जेड, मतलब इस वाले वैल्यू को कॉपी करेगा। अब यदि मैं पास करूँ यहाँ पे, तो ये होता हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ये वैल्यू को कॉपी कर लेगा दूसरे कंस्ट्रक्टर से। ये देखो, ये ऊपर वाले वैल्यू को कॉपी कर रहा है ना, तो ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है? ये डिफॉल्ट वाले को कॉल कर रहा है। ये किसको कॉल कर रहा है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और ये किसको कॉल कर रहा है? ये आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कॉपी द वैल्यू फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्टर। तो ये है हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल, किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और हम यहाँ पे क्या काम करते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे और आप समझ लो। चलो मैं इसको करता हूँ फाइल सेव। अब जब कंस्ट्रक्टर तुमने समझ ही लिया, तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या है? देखो, इट कंस्ट्रक्ट बनाता है, क्या बनाता है? इट कंस्ट्रक्ट द स्पेसेस इन द मेमोरी, स्पेसेस इन द मेमोरी। ये मेमोरी में स्पेसेस क्रिएट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और मेमोरी स्पेस बनाएगा कैसे? बाय इनिशियलाइजिंग द एट्रीब्यूट्स एंड ऑल। इनिशियलाइज करता है ना भाई। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का काम होता है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करके करेगा क्या?
मेमोरी में स्पेस बनाता है। तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है स्पेस क्रिएट करना, मतलब मेमोरी में एलोकेट करना, और एक होता है यहाँ पर डिस्ट्रक्टर, जैसे हम लोग C++ वगैरह में पढ़ते हैं ना, यहाँ पर भी होता है। ये जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी को रिलीज करना, मेमोरी को तो रिलीज करना। हालांकि देखो यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे CLR होता है .NET का, वो डिस्ट्रक्टर को खुद ब खुद ये मेमोरी मैनेज करता है। लेकिन यदि कोई आपसे बोले कि भाई डिस्ट्रक्टर हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रक्टर ऐसे बनाते हैं, ये रहा हमारा डिस्ट्रक्टर। और मान लो मुझे यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करवा देते हैं, पता चलना चाहिए ना कि कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आपका प्रोग्राम बंद होने वाला होता है, डिस्ट्रक्टर। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब मैं बोलता हूँ CL7। अब मैं यदि इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो आ रहा है यहाँ पे डिस्ट्रक्टर। कितने बार कॉल हो रहा है डिस्ट्रक्टर? 3 बार कॉल हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपने कितने ऑब्जेक्ट बनाए थे? 3। तो 3 बार मेमोरी रिलीज होगी ना। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द डिस्ट्रक्टर। याद रखना, डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई पब्लिक वगैरह नहीं लगता है। ये यहाँ पे कोई पब्लिक या कोई पैरामीटर्स वगैरह नहीं होते। डिस्ट्रक्टर जब भी हम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू जो अगर हमें पूछ देता है भाई C# के अंदर आप डिस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे, तो ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और ये हमारा यहाँ पे डिस्ट्रक्टर। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया ये कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर का काम होता है इट कंस्ट्रक्ट द स्पेसेस इन द मेमोरी। और कंस्ट्रक्ट कैसे करता है, स्पेस बनाता कैसे? बाय इनिशियलाइजिंग द एट्रीब्यूट्स एंड ऑल। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होती है? तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये जो देते हैं, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है ना। कंस्ट्रक्टर का नाम और जो क्लास का नाम होता है वो क्या होता है? सेम होता है। कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज भी हो सकता है, ओवरलोडेड भी हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। क्लियर? फाइल सेव। अब आ जाओ हम यहाँ पे बात करते हैं CL8.cs। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले ये स्टैटिक कीवर्ड। अब ये स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। सपोज करो मेरा ये क्लास है, ये मेरा क्लास है, और क्लास के अंदर में ये हमारे यहाँ पे मेथड है। इस मेथड में मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ जय हिंद, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा क्लास ए है, ए के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है इसको कॉल करना है। देखो मैंने अभी तक आपसे क्या बोला था, मैंने अभी तक आपसे ये बोला था कि क्लास के अंदर कोई भी चीज़ हो उसे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बनाओ और कॉल कर लो, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लो। अब मैं अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लास के अंदर कोई भी चीज़ यदि स्टैटिक है तो उसको कॉल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कॉल कर लो। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, A.Display। आप ज़रा गौर से देखो, मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैं इसको क्लास के नाम से ही यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ, मैं बोलता हूँ CL8.cs, मैं बोलता हूँ CL8, ये देखो कॉल हो रहा है, आगे जय हिंद लिखा हुआ। अब हमें यहाँ पे समझना है ये स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। देयर इज टू टाइप्स ऑफ मेंबर इन क्लास। क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर। बाय डिफॉल्ट हमारा जो होता है वो इंस्टेंस डेटा मेंबर होता है। इंस्टेंस डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप इसे कॉल करोगे, वी नीड ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। इंस्टेंस डेटा मेंबर का मतलब होता है बिलोंग्स टू इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट हमारा यही होता है। दूसरा होता है हमारा क्लास डेटा मेंबर। ये जो हमारे क्लास डेटा मेंबर्स होते हैं, इनको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको कॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज क्लास नेम। हम क्लास का नाम लगाते हैं और उसे यूज करते हैं, वी यूज क्लास, क्लास का नाम यूज करते हैं। क्लास डेटा मेंबर्स का मतलब होता है बिलोंग्स टू क्लास। क्लास डेटा मेंबर्स का मतलब होता है बिलोंग्स टू क्लास, जो क्लास से बिलोंग करता हो। और बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
अभी हमें क्लास डेटा मेंबर बनाना है, टू मेक वी यूज कीवर्ड कौन सा, स्टैटिक। ये जरा गौर से देखो, मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगाया है, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर पा रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट कॉल कर पा रहा हूँ ना। अभी मान लो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया है, मैंने बोला यहाँ पे पब्लिक, मैं यहाँ बोलता हूँ स्टैटिक INT X। अब इससे x में मुझे वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ a डॉट x इज इक्वल टू लाइक दिस। अब मुझे यहाँ पे इसे कॉल करना है, तो कॉल करना है तो फिर क्या करोगे, डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन a डॉट x। तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट क्लास का मेम्बर हो, जो क्लास से बिलोंग करता हो, आप इसको कॉल करना है भाई, क्लास का नाम आप डाल दो और क्लास के नेम से उसे कॉल कर लो। अब यदि मैं इसको सेव करूँ, मैं यहाँ पे इसे रन करूँ, तो ये हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये हमारा यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड। अब थोड़ा सा स्टैटिक कीवर्ड को हम और एक्सप्लोर करते हैं। फाइल सेव एच, मैं बोलता हूँ यहाँ पे cl9.cs। अब देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड में, ये देखो ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा स्टैटिक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट भी स्टैटिक है, ये मेथड भी स्टैटिक है। यहाँ पे यदि मुझे इसे वैल्यू डालनी है, डाल दो, आपको इसे कॉल करना है कॉल कर लो, मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ, आप इसे यहाँ पे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टैटिक है ना, दोनों स्टैटिक है, आप इसे डायरेक्ट कॉल कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टैटिक हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। CL9 स्टाफ वाली बात है, दोनों स्टाफ। सेमी कॉलन छूट रहा है कहीं, या यहाँ पे आपने सेमी कॉलन छोड़ दिया। रन करो, मैं बोलता हूँ CL9, ये देखो आ रहा है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, डायरेक्टली कॉल कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि जो मेरा नॉन स्टैटिक है उसको मैं कैसे कॉल करूं? अभी मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ INT Y। अब इस Y को मुझे इस मेथड के अंदर काम करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो फिर मैं यहाँ पे Y को कॉल कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, AT=NewA, ऑब्जेक्ट बनाया आपने क्लास का। अब मैं बोलता हूँ T.Y=this1। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ System.Console.WriteLine। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मुझे y को डिस्प्ले करना है, मैं बोलता हूँ T.Y। अब यदि मैं इसे रन करूँ, अभी हमारा यहाँ पे काम करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड के अंदर जो हमारे स्टैटिक एट्रीब्यूट हैं, जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड के अंदर जो हमारे स्टैटिक एट्रीब्यूट हैं, उनको कॉल करने के लिए तो कोई लफड़ाई नहीं है भाई, सीधा कॉल कर लो। लेकिन समस्या ये आती है कि ये जो हमारे नॉन स्टैटिक भाई लोग हैं, उस नॉन स्टैटिक भाई लोगों को यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे स्टैटिक के अंदर में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल करेंगे, टू कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उसे कॉल करोगे। आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने कॉल किया। समझ में आई बात? अभी तक मैंने आपसे क्या बोला था कि क्लास के अंदर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट बनाओ कॉल करो, क्यों आप ऑब्जेक्ट बनाते हो बार बार? ये मेन तुम्हारा क्या है, स्टैटिक है ना, मेन जो है हमारा क्या है, स्टैटिक है ना। आप मान लो ये क्लास है, क्लास के अंदर वेरिएबल डालते हो, मेथड डालते हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं ना। तो नॉन स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर कॉल करना है तो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, वही काम तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक को मुझे स्टैटिक के अंदर करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हम उसे यहाँ पर कॉल करेंगे। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ टू कॉल द नॉन स्टैटिक विद इन द स्टैटिक मेथड, हाउ टू कॉल नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट विद इन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के अंदर आप कैसे कॉल करोगे? तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, काम करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने उसे कॉल किया। समझ में आई बात? चल अब स्टैटिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें और देख लो। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ CL10.CS। आप जरा गौर से देखना कि जो हमारा क्लास है, क्लास को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं, क्लास कैन बी स्टैटिक।
और अभी तुमने क्लास का स्टैटिक बना दिया, नंबर वन कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, पहली बात आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। नंबर टू कांट इनहेरिट, आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। नंबर थ्री जितने भी उसके मेंबर्स होने चाहिए, ऑल मेंबर्स मस्ट बी स्टैटिक, स्टैटिक होना चाहिए वहाँ पे। ये देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ स्टैटिक क्लास ए, अब यदि मान लो मैंने बोल दिया स्टैटिक क्लास ए, तो अब पहली बात इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये जो अब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और इसके अंदर तुम कोई नॉन स्टैटिक नहीं डाल सकते, अगर डालोगे तो एरर देगा। देखो आपने नॉन स्टैटिक डाल रखा है, अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो CL10, ये देखो क्या आ रहा है, कैनॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन स्टैटिक क्लास, हाँ ये आप नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो स्टैटिक ही होगा, ये सब तो कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपने जो क्लास बनाया वो कौन सा बनाया, आपने स्टैटिक क्लास बना दिया है। तो स्टैटिक क्लास का पहली बात ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, स्टैटिक क्लास को हम क्या नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते, और जितने भी मेंबर्स होंगे स्टैटिक के अंदर वो सारे स्टैटिक होने चाहिए, ये नहीं होता कि ये बाय डिफॉल्ट होता है, तुम्हें स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक क्लास का, फाइल सेव, फाइल सेव, फाइल सेव एज। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई ये जो मैं ओपन करता हूँ अपने पुराने प्रोग्राम को, कंस्ट्रक्टर को, मेरा कुछ किसमें था वो CL8.cs था ना, ओपन CL7.cs। मैं फिर से आता हूँ स्टैटिक के ऊपर, आप जरा गौर से देखो, मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक, अब स्टैटिक का मतलब क्या है, ये देखो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ बनाता हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, याद रखना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का काम होता है टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, याद रखना कांट बी पब्लिक, इसमें पब्लिक नहीं लगेगा। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें पब्लिक नहीं लगेगा, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और याद रखना ये अपने पूरी ज़िंदगी में केवल एक बार कॉल होता है, कॉल वंस, कब कॉल होता है, बिफोर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट बनने से पहले, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और सबसे पहले यही कॉल होता है, उसके बाद कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये देखो मैं बनाता हूँ स्टैटिक ए, अब ये हमारा क्या बन गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। यदि मान लो मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, मैं यहाँ पर बोलता हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, याद रखना जो आपने यहाँ पे लिखा है ना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, मैं बाकी जगह भी कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवा देता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैं बोलता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पता चलेगा ना कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब मैं जरा गौर से देखो, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यदि मैं इसको रन करूँ CL7, ये देखो सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अपने पूरी जिंदगी में केवल एक बार कॉल होता है, और कब कॉल होता है, सबसे पहले, और कब, जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब। अब यहीं पे एक सवाल, यदि मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई काम मुझे केवल एक बार करवाना है, मैं किसी काम को केवल एक बार करवाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, आई विल मेक द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यदि वो चीज़ कर दूँ तो वो केवल एक बार कॉल होगा। अच्छा एक बात और है, यदि मैं क्या क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाऊँ तो क्या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चलो मैंने ऑब्जेक्ट बनाना बंद कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अब यदि मैं इसे रन करूँ, देखो कॉल नहीं होगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। अब यदि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूँ, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनने से पहले जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो सबसे पहले यदि मैं बोलूँ क्या कॉल होता है, तो सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कितनी बार, कम से कम एक बार तो होना ही है।
और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक बार ही होना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का। जब कभी भी तुम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसको पब्लिक नहीं लगाते। देखो बाकी में तुमने लगाया पब्लिक, यहाँ पर हम पब्लिक होगा नहीं लगाते। टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल, हमारे पास कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, नहीं तो मैं उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। स्टैटिक का मतलब कांट बी पब्लिक, कॉल वंस बिफोर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और सबसे पहले कॉल होता है, एट फर्स्ट यही कॉल होता है, उसके बाद फिर बाकी कोई और जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर कॉल होते हैं। तो ये थी पूरी राम कहानी कंस्ट्रक्टर की, और ये जो हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं उसका। स्टैटिक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको क्लियरली बताया था कि जो हमारे स्टैटिक कीवर्ड होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या है। देखो क्लास के अंदर मैंने बताया दो तरह के मेंबर्स होते हैं, कौन कौन। एक को हम बोलते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर। इंस्टेंस डेटा मेंबर मतलब जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, बाय डिफॉल्ट यही होता है। भाई तुम बोलते हो int raw, तुम बोलते हो स्ट्रिंग nm, तो ये सारे क्या हैं, इंस्टेंस डेटा मेंबर। और कॉल करने के लिए वी नीड ऑब्जेक्ट, और ये इंस्टेंस से बिलोंग करता है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे इनकी इतनी मेमोरी एलोकेट होगी। और ये जो हमारा क्लास डेटा मेंबर होता है, ये क्या होता है, टू कॉल वी यूज क्लास नेम, बिलोंग्स टू क्लास, इसका मतलब एक ही मेमोरी एलोकेट होगा। देखो बड़ी सीधी सी बात है, भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे ऑफिस में तुम भी आते हो और मैं अपने ऑफिस में, मैं भी वहाँ पे अवेलेबल हूँ, तुम में और मुझ में अंतर क्या है। मैं हूँ स्टैटिक मेंबर और तुम हो इंस्टेंस डेटा मेंबर। मैं डायरेक्टली एजाइल से बिलोंग करता हूँ, मैं एजाइल से डायरेक्टली बिलोंग करता हूँ, मेरी एक मेमोरी एलोकेट होगी, सबसे पहले मैं कॉल होऊंगा। क्यों? चूंकि मैं क्या हूँ, क्लास डेटा मेंबर्स हूँ। यदि किसी को मुझसे बात करनी है तो वो आके बोल सकता हूँ कि एजाइल में जो संतोष सर है उनसे बात करवा दो, एजाइल डॉट संतोष। आप क्या हो, आप हो इंस्टेंस डेटा मेंबर। इंस्टेंस डेटा मेंबर मतलब क्या भाई, आप हो और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी आप आए हो, इससे पहले तो आप नहीं थे। इंस्टेंस डेटा मेंबर का मतलब क्या है कि भाई आप आए हो, पर्टिकुलर कोर्स में इनरोलमेंट लिए हो, आप हमारे यहाँ पे कोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हो। यदि मान लो कोई बोलता है कि मुझे रितिका से मिलना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कौन सी रितिका, किस बैच में आती है। भाई मेरे पास चार रितिका है, बताओ। तो मैं पूछूँगा ना, अच्छा अच्छा पाइथन में आती है, डॉट नेट में आती है, जावा में आती है, किस में आती है। तो मेरे कहने का मतलब, यदि आपको कॉल करना हो तो आपको कॉल करने के लिए सामने वाले को सब कुछ बताना होगा कि 2-3 के बैच में जो आती है, जो डॉट नेट के क्लासेस के लिए आती है, ओके आपको उससे मिलना। तो आप क्या हो, आप हो इंस्टेंस डेटा मेंबर, और मैं क्या हूँ, मैं हूँ क्लास डेटा मेंबर। मुझसे किसी को मिलना है वो डायरेक्टली बोलेगा जो एजाइल वाले संतोष सर है उनसे बात करवा दो, लेकिन आपसे मिलना है तो मेरे कहने का मतलब मैं वहाँ पे क्या हूँ, मैं क्लास डेटा मेंबर, मेरी एक ही मेमोरी एलोकेट है। मैं चाहे क्लासरूम में बैठूँ, चाहे मैं ऑफिस में बैठूँ, चाहे मैं डायरेक्टर्स चैम्बर में बैठूँ, चाहे मैं रिसेप्शन पर बैठूँ, मेरी एक ही मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन आप चार कोर्स में इनरोलमेंट लेते हो, तो जावा के लिए आपका अलग इनरोलमेंट होगा, पाइथन के लिए अलग इनरोलमेंट होगी, डॉट नेट के लिए अलग इनरोलमेंट होगी, तो आपकी तीन अलग अलग इंस्टेंस बनेंगे, तीन अलग। जावा के क्लास में आप जावा के लेक्चर अटेंड करोगे, डॉट नेट के सेशन में आप डॉट नेट के अटेंड करोगे। तो मेरे कहने का मतलब, जो डिफरेंस आप में और हम में है, वही डिफरेंस यहाँ पे इंस्टेंस डेटा मेंबर और क्लास डेटा मेंबर्स में। अब देखो, मैंने आपको बोला कि जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक एट्रीब्यूट को डायरेक्ट कॉल कर लो। सीधी सी बात है ना, मान लो मेरा कोई स्टाफ है, मैं डायरेक्टर रूम में हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसको आने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे आएगा रूम में, मेरे से बात करके चला जाएगा। डायरेक्टली मैं उसके लिए एक्सेसिबल हूँ, चूँकि मैं भी वहाँ पे एजाइल के अंदर हूँ, मैं भी एजाइल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये भी एजाइल के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेंगे, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको इंटरेक्ट करने के लिए मेरे से यू नीड टू टेक द इनरोलमेंट इन द सेशन, आपको जावा में आके डॉट नेट में इनरोलमेंट लेना होगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। अभी नहीं तो फिर जाइए काउंसलर आपसे बात करेंगे, मैं नहीं बात करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिक होता है, ये हमारा मेथड स्टैटिक है, ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ये भी स्टैटिक हैं, तो इनको कॉल करना है तो डायरेक्टली कॉल कर लो, लेकिन जो नॉन स्टैटिक होता है उसको कॉल करने के लिए यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल। क्लियर? तो आज का मैं सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ।